वेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल डीजी इलेक्ट्रॉनिक्स पे। और फ्रेंड्स, आज जो है हम आप लोगों के लिए एक नया एम्पलीफायर लेकर के आए हैं। ये जो है 30+30 वाट इसका कंपनी क्लेम करता है। ये क्लास डी एम्पलीफायर है। और फ्रेंड्स, मैं क्लास डी का ही क्यों ला रहा हूँ, मैं आप लोग उसका रीज़न बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी जितना भी क्लास डी यूज़ कर रहा हूँ उसका काफ़ी अच्छा जो है क्वालिटी बेस वगैरह आता है। आप लोग भी इसको आसानी से मंगा सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने इसमें देखा कि एकदम बैलेंस साउंड आता है और आप लोगों का कम बजट में भी आ जाता है एम्पलीफायर। ठीक है, बस इसमें थोड़ा सा खराब होने का डर रहता है, लेकिन आप लोग अगर उसको अच्छे से यूज़ करेंगे जैसा कि उसको यूज़ करना चाहिए तो उसमें कुछ खराबी नहीं आता है। मैं इसको बहुत दिन से यूज़ कर रहा हूँ, एक क्लास डी 2.1 एम्पलीफायर को, तो मुझे वो काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए मैंने जो है फिर से एक 2.0 वाला ये ऑर्डर किया है। इसमें आप लोग जो है दो स्पीकर लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसको मैं आप लोगों को बताऊं तो इसको आप 44-40 से कंपेयर कर सकते हैं, और 44-40 के कंपेयर में ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छा साउंड क्वालिटी दे देगा और बेस क्वालिटी भी दे देगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये अमेजोन की तरफ से आया है। ये मेरे को जो है 330 रुपये का पड़ा है, मतलब 329 रुपीज़ का अमेजोन से मेरे को ये मिला है। आप लोग भी इसको बाय कर सकते हैं, लिंक फ्रेंड्स मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये TPA का एम्पलीफायर है, क्लास डी एम्पलीफायर है। तो चलिए अब इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, बॉक्स काफ़ी छोटा सा है और एम्पलीफायर भी काफ़ी छोटा सा है जहाँ तक मैं जानता हूँ। इसको हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, अच्छे से देखते हैं कैसा टाइप का क्वालिटी है। और इसमें आप लोग रिप्लेसमेंट वारंटी मिल जाता है, अगर आप लोगों एम्पलीफायर मंगाया है और काम नहीं कर रहा है तो आप लोग जो है उसको वापस भी कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा पैकेजिंग में आया है फ्रेंड्स, अच्छा मतलब क्वालिटी लग रहा है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग जो है बिगिनर है, मतलब आप लोगों को नए नए में एकदम कोई एम्पलीफायर बनाना है, तो आप लोग जो है इस एम्पलीफायर से शुरुआत कर सकते हैं। ये जो है फ्रेंड्स कम बजट में जो है एकदम पावरफुल एम्पलीफायर है, और मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि आपका 2.1 4.1 होम थिएटर से ज़्यादा ही अच्छा साउंड क्वालिटी दे देगा। ठीक है, एकदम छोटा सा है, आप लोग देख सकते हैं, 2-3 उंगली से भी छोटा है। और चलिए मैं आप लोग इसका भी रेट दिखा दे रहा हूँ, इसका बिल में आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, 329 रुपीज़ का पड़ा है। इसका नाम है TPA 3110 और यह है 30+30 2.0 स्टीरियो एम्पलीफायर। ठीक है, और इसमें जो है फ्रेंड्स आप लोगों को वोल्टेज का जो है इनपुट आप लोगों को एकदम वाइड रेंज मिल जाता है। इसमें आप लोग चाहें तो अपना टाटा स्काई का या जो भी आपका DTH का एडाप्टर भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी ये काम करेगा। इसमें आप लोग अपना लैपटॉप का चार्जर भी लगा सकते हैं, उससे भी ये काम करेगा। ठीक है, आप लोग मोबाइल चार्जर लैपटॉप जो भी लगाएंगे आराम से ये काम करेगा, लेकिन इसका वोल्टेज रेंज में रहना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स इसका बहुत अच्छा वोल्टेज रेंज इसमें दिया हुआ है, 8 से 26 वोल्ट और 3 एम्पीयर का मैक्सिमम। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि आपका जो DTH वगैरह का जो एडाप्टर रहता है वो 12 वोल्ट का रहता है, तो उसको इसमें आराम से यूज़ कर सकते हैं। लैपटॉप का चार्जर आपका 18 से 19 वोल्ट का रहता है, वो भी इसमें यूज़ हो जाएगा। ठीक है, मेन जो है लैपटॉप चार्जर में यूज़ करेंगे तो सबसे अच्छा इसका आउटपुट आप लोगों को मिलेगा, और जो 12 वोल्ट का एडाप्टर है उसमें थोड़ा सा कम आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप लोग साइज़ देख सकते हैं, 3 उंगली जितना ही बड़ा है ये एम्पलीफायर, बहुत छोटा सा कॉम्पैक्ट साइज़ है। और फ्रेंड्स इसका वॉइस क्लियरिटी काफ़ी अच्छा रहता है, और जो है फ्रेंड्स एकदम साउंड क्वालिटी एकदम तबाही रहता है इसका। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं एकदम छोटा सा एकदम तबाही बोर्ड लग रहा है मेरे को। अब इसको छूने से फ्रेंड्स इसका क्वालिटी का अंदाज़ा लग जाता है, और जो इसका पैसा ले रहा है कंपनी 330 रुपये, वर्थ इट लगता है एकदम। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग दो स्पीकर कनेक्ट करने के लिए दो पॉइंट है, यहाँ पे सीधा सोल्डरिंग होगा और यहाँ पे आप लोगों को इनपुट देना है VCC और ग्राउंड, और यहाँ पे आप लोगों को वॉइस इनपुट देना है। और आप लोग इसको चलाएंगे फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा तगड़ा साउंड क्वालिटी देगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी इसके लायक जो है फिलहाल मेरे पास स्पीकर नहीं है, तो इस वीडियो में मैं इसको टेस्ट नहीं कर रहा हूँ, जल्दी इसका टेस्टिंग का भी वीडियो लाएंगे। इसके बाद जो है एक दूसरा वीडियो आएगा, ठीक है, और उसके बाद जो है इसका टेस्टिंग का वीडियो भी आ जाएगा। इसका हीट सिंक फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा लग रहा है, प्रीमियम क्वालिटी का यह बोर्ड है, ब्लू कलर में आता है। जैसे कि आप लोग अगर जानते होंगे तो जो आपका कंप्यूटर CPU वगैरह रहता है उसमें ऐसा बोर्ड यूज़ होता है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वालिटी का, बस आप लोग इसको सावधानी से यूज़ करें, अच्छे से यूज़ करेंगे ये काफ़ी अच्छा आपका लंबा लाइफ दे देगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को ये बोर्ड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए। और आप लोगों को ये बोर्ड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आप लोगों को इसका गिव अवे चाहिए तो हम गिव अवे भी ला देंगे। आप लोग बस कमेंट करिए, मेरे पास 15-20 से ज़्यादा कमेंट आ गए गिव अवे के लिए, तो मैं गिव अवे भी ला दूंगा इसके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।